हो रहा है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में, हर कोई अपनी भागीदारी दे रहा है और सबसे बड़ी कवरेज यहां पर न्यूज 18 पर लगातार जारी है। लगातार सुबह से ही हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर जिस तरीके से सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है, वहां पर क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आ रही है, वो भी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद 9 बजे का जो परसेंटेज है वो भी सामने आ जाएगा कि 9 बजे तक कितने फीसद मतदान हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि 9 बजे के जैसे ही फिगर्स आएंगे कि कितने फीसद मतदान हुआ है, उससे कुछ तस्वीर यहां पर हम उसका भी चर्चा करेंगे कि आखिर कितने फीसद मतदान हुआ है प्रतापगढ़ से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बूथ 44 पर मतदान फिर शुरू हो गया है, करीब 45 मिनट देरी से वहां पर मतदान शुरू हुआ है। ईवीएम में गड़बड़ी के चलते मतदान में देरी हुई, रामपुर खास के तलापट्टी बूथ पर वोटिंग शुरू हो गई है, शुरुआत में काफी दिक्कतें वहां पर आई, इसके चलते मतदान प्रभावित हो रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और ईवीएम में गड़बड़ी के चलते यहां पर मतदान में देरी हुई है, रामपुर खास के दलापट्टी बूथ पर वोटिंग शुरू हो गई है। बूथ 44 पर मतदान शुरू हुआ है, करीब 45 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी के चलते यहां पर मतदान प्रभावित हुआ। और सिद्धार्थनगर से भी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 4 गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है, सुबह से अब तक नहीं पड़ा एक भी वोट, सिसहना पोखरा काजी में मतदान का बहिष्कार किया गया, जमोती डी जमोता में भी मतदान का बहिष्कार किया गया, सड़क न बनने से ग्रामीण काफी नाराज हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सड़क न बनने से ग्रामीण काफी नाराज हैं, मतदान का बहिष्कार किया गया है, सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सड़क न बनने से नाराज यहां पर, और बातचीत करने के लिए शरद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या स्थिति है, क्या प्रशासनिक अमले ने अब तक इस बात का संज्ञान लिया है, अधिकारियों ने कुछ बातचीत की है इन लोगों से? जी, अभी जब से वोट शुरू हुआ है, मतदान शुरू हुआ है, तब से लगभग 2 घंटे हो गए और जो डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के सिसैना पोखरा काजी जुमती डी और जमोता जो गाँव है छोटे, जहाँ की आबादी लगभग 2200 मतलब एक प्रति गांव में आ रही है, तो कम से कम 10,000 आबादियों जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारा रोड नहीं बनी है तो इसलिए हम वोट नहीं डालने जाएंगे। अब प्रशासनिक का अमला जो है उन सभी लोगों को मनाने में जुड़ा हुआ है और देखते हैं कि आगे कारण क्या बताया जा रहा है। शरद, क्या लोगों का कहना है, आपने बातचीत की होगी, सड़क ना बनना ये कारण है या इसके अलावा भी कई कारण है? नहीं, उनका सिर्फ एक ही कारण है, उन्होंने सारे राजनीतिक मुद्दों को दरकिनार करते हुए उन्होंने सीधे एक लाइन कही कि अगर रोड नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं डालने जाएंगे। आखिर हमारे यहाँ बूथ बना दिया, कम से कम वहां तक जाने की अच्छी रोड होनी चाहिए थी, या स्थानीय लोगों पे जो अभी तक परेशानी झेलते आ रहे हैं वो सारे लोग कब तक सुनवाई करते, फिर से नया सरकार बनेगी, फिर से वही सारी दिक्कत। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, शरद त्रिपाठी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है हमारे पास, बस्ती से 3 जगहों पर ईवीएम खराब हो रही है, 3 जगहों पर ईवीएम खराब रही है, बड़ी खबर इस वक्त की, 2 बूथों पर ईवीएम बदलकर मतदान शुरू कराया गया है, सदर के बूथ 303 पर ईवीएम खराब हुई है, कप्तानगंज के बूथ 395 पर ईवीएम बदली गई है, रुधौली के बूथ 465 पर भी ईवीएम बदली गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस्ती से बड़ी खबर इस दो, हफिजुर रहमान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम अपडेट भी लेंगे, लेकिन यहां पर बड़ी खबर, सदर के बूथ 303 पर और बूथ 395 पर ईवीएम बदली गई है, रुदौली के बूथ 465 पर भी ईवीएम बदली गई है, 3 जगहों पर ईवीएम खराब रही, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सदर के बूथ 303 पर ईवीएम बदली गई है, बड़ी खबर इस वक्त की, रुदौली के बूथ 465 पर भी ईवीएम बदली गई है। हाफिजुर रहमान हमारे साथ बस्ती से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हाफिजुर्रहमान क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है, 3 जगहों पर ईवीएम बदली गई है, क्या मतदान सुचारू रूप से चल पा रहा है? मतदान शुरू, सदर विधानसभा की बात की जाए तो 303 नंबर ईवीएम जो बूथ नंबर है वहाँ की खराब हो गई, जो अभी मतदान बाधित है, ईवीएम बदलने की प्रक्रिया कर चल रही है। इसके अलावा कप्तानगंज विधानसभा जहाँ पर आमा एक गाँव है वहाँ पर 395 नंबर बूथ संख्या की ईवीएम खराब रही, लगभग आधा घंटा
जो बाधित रहा वोटिंग, उसके बाद उसको बदल कर फिर से वोटिंग शुरू कराई गई है। और उधौली में 465 नंबर बूथ है, उसकी जो है ईवीएम खराब हो गई थी, उसको भी बदल कर वोटिंग शुरू करा दी गई। फिलहाल सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है। सिर्फ सदर ब्लॉक की 303 नंबर की ईवीएम अभी खराब है, जिस पर वोट बाधित है। बिल्कुल हफीजुर्रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और सीधे अब हम रुक करेंगे ग्राउंड जीरो पर, तमाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से मतदान चल रहा है और आखिर लोग किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्रों तक आके वोट कास्ट कर रहे हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे लगातार डटे हुए हैं और चुनाव के दौरान भी जबरदस्त उन्होंने तरीके से तमाम नेताओं से खास बातचीत भी की और साथ ही साथ चुनावी नब्ज को भी बड़े करीब से समझते हैं। और ये यहां पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सर्वेश के पास जाए, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उन्होंने यहां पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया है। आई एम अ प्राउड वोटर, ये आप देखिए वहां पर पहुंचकर उन्होंने तस्वीर भी खिंचाई है ये तस्वीर। और जाहिर तौर पर लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं, बहुत संदेश देने वाली होती हैं कि जब राष्ट्रपति अपना वोट कास्ट करके इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं, यानी लोगों को भी अपने घरों से निकलना चाहिए, मतदान केंद्रों तक आना चाहिए और मत का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बार फिर हम सीधे रुक कर रहे हैं प्रयागराज से सर्वेश दुबे के पास, ग्राउंड जीरो पर लगातार है सुल्तानपुर से राजीव सिंह, जिन्होंने लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर जा करके चुनावी कवरेज की है, राजीव के पास भी चलेंगे। और प्रतापगढ़ से रोहित सिंह, जो प्रतापगढ़ की सियासी नब्ज को बड़े करीब से समझते हैं। सबसे पहले सर्वेश आपके पास आ रहा हूं, प्रयागराज में मतदान चल रहा है, किस तरीके से मतदान हो रहा है, क्या शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं और लोग किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर सुबह से लगातार मतदान जारी है और इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ इलाहाबाद संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी कविता यादव त्रिपाठी के साथ आकर मतदान किया है, यहां पर सेल्फी ली है। सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं, लोगों में खासा उत्साह है। सर ये बताएं कि किस तरह से उत्साह है लोगों में, आपने यहां पर वोटिंग भी की है और क्या अपील करते हैं और कैसी अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पर कार्य किए गए हैं देश में, उससे जनता में अच्छा खासा उत्साह है और वो अपना मन बना करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि ये दो राजनीतिक परिवारों के बीच की लड़ाई है, किस तरह से लड़ाई देखते हैं इस सीट पर? देखिए लड़ाई कोई नहीं है, दोनों की छवि अलग है। जहाँ तक मेरे स्वर्गीय पिताजी की बात है, पंडित केशवनाथ त्रिपाठी जी की बात है, उनकी राजनीति में एक अलग छवि रही है, बिल्कुल साफ सुथरी और ईमानदार, और उस छवि का मुझे निश्चित तौर पर फायदा मिल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि बीजेपी इस सीट पर हैट्रिक लगाने जा रही है? 100%। कविता जी भी हैं, आप धर्मपत्नी हैं और लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आपने चुनाव प्रचार किया, सब जगह रही, तो किस तरह से देखती हैं और क्या उम्मीद करती हैं जनता से? जनता से बहुत पॉजिटिव उम्मीद है और जनता और खासकर महिलाओं ने कमर कस ली है, क्योंकि महिलाओं को जो शक्ति प्रदान करा है, जो मान सम्मान हमारे मोदी जी ने दिया है, उसकी वजह से मैं गांव-गांव में जाके देखा है मैंने, हर महिला एक सशक्तिकरण का एक उदाहरण है और वो एकदम मन बना चुकी है, क्योंकि उनको चूल्हे से लेके, उनको इज्जत घर देने से लेके, उनको एक छत देने से लेके मोदी जी ने वो काम किया है और वो कमल खिला रही है। अच्छा, इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा कितना अहम मुद्दा है इस चुनाव में? सुरक्षा तो पहले से भी हो चुका था और अभी भी आने वाले समय में उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा पहले 2014 से पहले बहुत, मतलब कि काफी हद तक हुई है। सुधरिए, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैम आप यहाँ पर हैं, ये बताइए कि किस तरह से वोटिंग हो रही है, क्या उत्साह है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? उत्साह तो बहुत है भैया सब लोगों के अंदर और खासकर महिलाओं के अंदर, जेंट्स भी दे रहे हैं, दोनों बराबर में है। और मुद्दा हमारा ये है, हम लोग का सुरक्षा, गुंडा राज खत्म हो गया है, अब हम बहनें सुरक्षित हैं, हर जगह जा रहे हैं आ रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कहीं भी जाना है कहीं भी आना है, कोई डर का वही नहीं है, जब मर्जी 10 बजे आपके पास तमाम लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं लगातार और तमाम जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो भी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और अब रुक करते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है सुल्तानपुर, जहां पर राजीव सिंह डटे हुए हैं। राजीव सिंह इससे पहले तमाम जो चरण हुए हैं वहां पर कई हाई प्रोफाइल सीटों को कवर कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को बड़े करीब से सम्मानित करेंगे आप, और जब इसी आजमगढ़ से हार के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजमगढ़ के यादव, पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। असली यादव निरहुआ है या असली यादव धर्मेंद्र यादव है, क्योंकि आप उन्हें नकली यादव कहते हैं?
मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी है, आजमगढ़ रहिए, आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते हैं, वो रहते नहीं। तो आजमगढ़ से यहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप सुन रहे थे, चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। और एक बार फिर राजीव सिंह के पास रुख करेंगे। राजीव, जाहिर तौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है, सुल्तानपुर में किस तरीके से मतदान चल रहा है और कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट कास्ट करने आ रही है? अनुपम, सुल्तानपुर में भी आज सुबह से ही 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ है तब से मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं सुल्तानपुर के सोनबरसा कंपोजिट विद्यालय जो मतदान केंद्र है वहां पर खड़ा हूं। वहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग लाइनों में लगे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे दादा किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं क्या। अरे समय के हिसाब से तो आप देख ही रहे हैं, बताने कोई जरूरत है नहीं। फिर भी क्या मुख्य मतदार हैं अपने अपने को, आपको क्या लगता है आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं, किन को सोच कर आए हैं? जिसको देना है तो देंगे ही। नहीं, विकास है क्या है, जिसको देना दे, विकास है, विकास हुआ है कुछ? जी विकास हुआ, विकास हुआ। क्या क्या हुआ? क्या हुआ, जो भी हुआ हुआ है। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है, क्या मुख्य मुद्दे होंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए? विकास का। क्या विकास हुआ है, कुछ हुआ है? बहुत विकास हुआ। क्या क्या हुआ? सब विकास हुआ है, चारों तरफ देखो विकास ही विकास। बिल्कुल राजीव, मैं आऊंगा आपके पास। रुख करते हैं मनीष शुक्ला हमारे साथ खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता है मनीष शुक्ला, और वो हमारे साथ हैं चर्चा में। दीपक रंजन प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। और कुछ देर के बाद 9 बजे का जब परसेंटेज आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मनीष शुक्ला जी, छठे चरण का ये मतदान है और इसके बाद एक चरण और बचता है। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि आपकी बार 400 पार। जो ग्राउंड की सिचुएशंस हैं, जो आपके पास भी लगातार फीडबैक्स आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति अभी कहां पाती है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो टीम यूपी के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो लोग वोट दे चुके हैं बहुत बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग अभी घरों में है वो निकले और वोट करें, मतदान करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। देखिए, 400 पार का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का योगदान करे, इसके लिए पिछले 2.5-3 साल से हम लोग काम कर रहे थे। 2019 में हमारे पास 62+2 64 सीटें थी, बाय इलेक्शन में 2 सीटें और हम लोगों ने जीत ली थी, आजमगढ़ और रामपुर। अभी आपने आजमगढ़ को दिखाया भी, और निरहुआ जी एकदम ठीक कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का जो कभी भी आजमगढ़ से लड़ा तो वहां रुका नहीं, चुनाव जीता चाहे हारा उस सीट को अनाथ छोड़कर चला गया। अखिलेश यादव भी वहां से सांसद हुए और एक दिन भी जीतने के बाद नहीं गए थे, तो आजमगढ़ की जनता को ध्यान में रहेगा। पिछले ये जो 16 सीटें हमारे पास रही थी 2019 में, उस पर हम लोगों ने सांगठनिक दृष्टि से काम किया और जो कमियां रह गई थी 19 में उसको पूरा किया है। और इस बार हमको पूरा विश्वास है कि रायबरेली, कन्नौज, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी, क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिना जाति धर्म देखे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया है, बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है और ऐसा माहौल पैदा किया है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेशक खुले बिना डर के आ रहे हैं। तमाम जो अपराधी थे, माफिया थे, उनकी कमर तोड़ी गई है इस उत्तर प्रदेश में। इसके नाते से जो माहौल बना, तो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान यही रोजगार प्राप्त कर सकता है। रहा सवाल अयोध्या, काशी, विंध्यवासिनी धाम, मथुरा, कुशीनगर, ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, उसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि आज बहुत 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 बढ़िया तरीके से मनीष भाई आपने सारी चीजों को गिनाया है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी साथ में है, क्या उनका भी एक पक्ष जान लूं। दीपक भाई, मनीष भाई की बातों को आपने बड़ी बखूबी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि जो विकास के काम, तमाम योजनाएं, अयोध्या, काशी, मथुरा, सबका जिक्र भी मनीष भाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, क्योंकि
जिस तौर पर अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो जो मुकाबला है सीटों पर, आप कितना आश्वस्त हैं? वो तो अब की बार 400 पार 80 सीटें हैं, उनको 80 सीटों को अपने पाले में लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायद की है उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन अपने आप को कहां पा रहा है? देखिए अनुपम जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, आप सभी को मतदान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों से निकले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आपको ये अधिकार दिया है मतदान करने का, आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। देखिए अभी जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बता रहे थे, बात विकास की कर रहे थे, अगर विकास की बात थी तो अभी आप ही के चल में कुछ देर पहले और अभी पिछले जो 6 चरण हुए हैं, लोग विकास ना होने की वजह से बहुत से ऐसे मजरे हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मोहल्ले हैं जिन्होंने वोट का बहिष्कार किया। एक तरफ तो आप डबल इंजन की बात करते हो, उत्तर प्रदेश में 7 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी 10 साल से सरकार है, आखिर लोग वोटों का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? अरे मतदान स्थल तक जाने के लिए उनके वहां रोड नहीं है और आप बात करते हो विकास की। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ आज की तारीख में देखिए अनुपम जी, जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार और महंगाई की दिशा में वोट देना चाहिए। आज की तारीख में हमारा उत्तर प्रदेश पर्चालीक प्रदेश बना हुआ है और आप बात क्राइम की कर रहे हो। आज की तारीख में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिस जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां के कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ फिल्मी स्टाइल में गोलियां चला करके जो है हत्याएं हो जा रही हैं, तो यहां लॉ ऑर्डर की बात क्या करेंगे? दीपक भाई मैं आज समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया। एक सवाल मेरा छोटा सा है, अब तक आपके नेता जो बयान दे रहे हैं उनका कहना है कि 80 में से 79 सीट्स जो है वो ये गठबंधन जीत करके उत्तर प्रदेश में आएगा 7 चरणों के मतदान के बाद, जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो आप 79 सीट जीत जाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है इंडी गठबंधन के नेताओं का, आपके नेताओं का, या वास्तविकता में जमीन पर ऐसी स्थिति है? इसके लोग इंडी कहें तो समझ में आता है, आपको भी इंडिया कहने में दिक्कत हो रही है। मैं तो इंडिया कह दे रहा हूं साहब, इंडिया कह दे रहा हूं आप नहीं इंडिया, देखिए गर्व की बात हमारी, अगर एक बार नहीं 100 बार हमें इंडिया कहने का मौका मिले तो हमको 1000 बार इंडिया कहना चाहिए। अगर उसमें भी दिक्कत, वो भी आपको आ रही है, सत्ता पक्ष के लोग तो कह ही रहे इनको तो दिक्कत इंडिया से ही है, लेकिन अनुपम भाई जैसे इतने सेंसिबल जो है एंकर, अगर ये मैं इंडिया कह देता हूँ आपकी, नहीं मैं इंडिया कह देता हूँ साहब, नाराज मत होइए, मैं इंडिया कह देता हूँ, नहीं देखिए ऐसा है, सवाल यहाँ पर यह है कि मैं इंडिया कह देता हूँ, उसको लेकर आप नाराज मत होइए, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि 79 इधर अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने वर्डिक्ट, अभी आपने उनका बयान नहीं सुना, हमारी वो सीट फंसी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से फेज वाइज चरणवार जो चुनाव हो रहा है, जनता का गुस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और अभी 6ठे चरण में भी आपको नाराजगी दिख जाएगी और 7वें चरण आते आते जनता का गुस्सा। चलिए मैं मनीष भाई का भी स्टेटमेंट लूंगा, लेकिन एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा है कि रामद्रोही को गोद में उठाए घूम रहे राहुल गांधी की पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर एफिडेविट दिए थे कि राम काल्पनिक हैं, पर ये जानते नहीं थे कि मोदी आएंगे और आज राम मंदिर कानून के अनुसार बनवाएंगे। रामद्रोहियों को संदेश साफ है, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। वीरेंद्र सचदेवा हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां पर ये एक्स पर पोस्ट डाला है और उसके बाद यहां पर ये चर्चा भी अब शुरू हो गई है। और आइए अब आपको कन्हैया कुमार का राम मंदिर को लेकर वो बयान हम सुनाते हैं जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर वार किया है। बन जाएगा मसला ये, जब भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है तो मंदिर सिर्फ अयोध्या में क्यों, सिर्फ अयोध्या में क्यों? मंगलयान गया है, राम जी की एक मूर्ति भेज देते हैं, वहां भी एक मंदिर बन जाएगा, चांद पर भी एक मंदिर बन जाएगा। मसला यह है कि मंदिर बनाना ही नहीं है, मंदिर बन जाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए यदि सरकार बनाना है तो मंदिर नहीं बनाना है।